जम्मू कश्मीर के इनोवेटिव डायरेक्टर, वुमन ऑफ वर्थ जैसे अनगिनत खिताब पाने वाली हमारी जम्मू की बेटी आरुषि ठाकुर राणा द्वारा लिखित और उन्हीं की बहन श्री बलवंत ठाकुर जी की छोटी सुपुत्री गौरी ठाकुर द्वारा निर्देशित इस नाटक अनक्राउंड पोएट जो बखान करेगा कुंवर वियोगी का, आइए इस अनूठी गाथा को देखें। लेट वी विटनेस द अनक्राउंड पोएट। How quickly daughters grow, unlike sons. In a single season, like the stalks of wheat get ripened. Daughters forget childish buns and blossom into blushing maidens sweet. Like young ones of the sparrows wingless hatched, are fondled by the beaks of mothers fed. And quickly growing wings unattached. To mothers, they become an instead of welcome chirpings, nests are empty left. And likewise, fathers also lonely, lonely feel. They feel that life upon uneven keel. How quickly daughters grow, unlike sons. From childhood to the teens, in a dozen sons. Poonam, can we go to the theater tomorrow? Sure. Okay, good night. Good night. Poonam, beta, मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? वो मामा आपके bedside table के drawer में ही रखी हैं। मिल नहीं रही। मिल गई। Okay, thank you. Good night. Good night. पापा, मैं लिखना चाहती हूँ आप ही की तरह, बट आई एम अ मैरिड वुमन एंड अ मदर नाउ, दे ऑल नीड माई अटेंशन एंड आई वॉन्ट टू गिव माई 100% टू एवरी वन। हाउ डिड यू डू दैट? हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस एंड मेड इट लुक सो परफेक्ट? वी ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इन अ डे, येट एवरीवन परफॉर्म्स डिफरेंटली। कुछ लोग अपने निर्धारित समय में बहुत कुछ करते हैं और कुछ केवल समय को गुजरता हुआ देखते रहते हैं। यू वर इन द एयरफोर्स, यू सपोर्टेड योर फैमिली, टुक केयर ऑफ योर सिबलिंग्स एंड स्टिल परस्यूड योर ड्रीम ऑफ बीइंग अ राइटर। हाउ डिड यू मैनेज दैट? माय डिजायर टू डू इट वाज फार बिगर देन द ऑब्स्टेकल्स आई हैड। बट डैड, a woman is expected to do far more than man. Is that fair? उसे अपने घर का काम भी करना होता है, रिश्तेदारियां भी निभानी होती है और दुनिया में अपना एक नाम भी बनाना होता है। ये सब एक साथ करना तो मानो नामुमकिन सा हो गया है। कच्चा धागा प्रीत कह गए रामधन कविवर, ये सूत जब कसने लगता देता लाख फिकर। कृपया रामधन जी, मुझे दे दें ऐसी सीख, अगर बंधी ना डोर प्रीत की, कैसे बनेगा घर, कैसे बनेगा घर? लेकिन आपने तो ये धागा कभी कसने ही नहीं दिया। जब प्रीत सच्ची होती है तो धागा कभी नहीं कसता और ना ही कभी टूटता है। जिंदगी में आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए अनुशासन, केंद्रीयता और सबसे अहम अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम होना चाहिए। सक्सेस एंड फेलियर्स आर जस्ट बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द जर्नी। हाँ, इस सब में अपने परिवार का साथ होना बहुत जरूरी होता है। कई बार आपका परिवार आपको समझ नहीं पाता,
उन्हें समझाना और साथ लेकर चलना बहुत अहम होता है। कोई भी सफलता तभी तक मुमकिन है जब अंत में उसका उत्सव मनाने वाला कोई आपके साथ। मेरी जिंदगी में तो हमेशा अपनों ने साथ दिया है। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूं क्योंकि मेरी जिंदगी के हर पहलू में कोई ना कोई था जिसने मुझे हमेशा सहारा दिया। आज तो मैं तुझे पकड़ के ही रहूंगी। आखिर दरोगा की बीवी हूँ मैं भी तो निकाय बेटा हूँ। अरे माँ, अरे अरे रुक जा। कितनी बार कहा है तुझे, इम्तिहान चल रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे। सारे लोग तेरी शिकायतें करते रहते हैं, ना जाने उस किताब को लेकर क्या लिखता रहता है। माँ तुझे पता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से मैं प्रेरित हुआ हूँ। हमारे देश के लिए लड़ने वाले जाबाज सिर्फ लड़ते नहीं थे, उनके लेखों ने मुझे प्रेरित किया है। टैगोर, गांधी, विवेकानंद। माँ मैं बड़ा होकर इनकी तरह लिखना चाहता हूँ। चुपचाप अपनी स्कूल की किताबों पर ध्यान दो वरना तुम्हारे पिताजी के गुस्से से मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। माँ मैं तुझे कहानी सुनाऊं, मैंने खुद लिखी है। कहानी तो मैं सुन लूंगी पर तुझे मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद सिर्फ अपनी स्कूल की किताबों पर ध्यान देगा। वादा नहीं कर सकता। अरे रुक माँ। पुष्पा आई, अभी आई। तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। एक सिद्धि और चंचल बालक चढ़ा जो पीपल पर। अरे बेटा रुक जा। अम्मा जा तू ना लौटूंगा, सांझ ढले तक घर। ठोकर लगी अनजाने में, हुआ वो लहू लुहान। जोर जोर से रोते बोला, ले चल अम्मा घर, ले चल अम्मा घर, ले चल अम्मा घर। माँ पापा जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे पर हुआ क्या? ये देखो आपके बेटे का नाम इन किताबों में छपा है। ये कौन सी किताब? अच्छा खिलौना और शमा। माँ इसमें वही कहानी छपी है जो मैं तुझे सुनाया करता था। अच्छा वो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बेटा रणधीर तुझे अपनी माँ और बाबा का नाम रोशन करना। करूंगा बाबा। और अपने पिताजी की तरह बड़ा अफसर बनना, फिर मैं तुझे लिखने से कभी नहीं रोकूंगी। जरूर बनूंगा। चल तू अब हाथ मुंह धो ले, मैं खाना ले आती हूँ। माँ मेरा ना फुटबॉल का मैच है तो मैं जा रहा हूँ। अरे पर खाना तो खाता जा। अरे आकर खाऊंगा। मुझे इस लड़के की बड़ी फिक्र लगी रहती है। तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है। देखना एक दिन वो आसमां की ऊंचाइयों को छुएगा। आई रणधीर सिंह जम्बोल hereby solemnly swear that I will bear true faith and allegiance towards the Constitution of India as by the law established. Congratulations, Captain Jambol. You have completed your training. We are honored that you chose Air Force, Army, Navy और बाकी सब डिफेंस फोर्सेज में सिलेक्ट होने के बावजूद भी तुमने Air Force को चुना। I'm sure you will make us proud one day. You are an asset to us. I'm happy to serve my country, sir. Jai Hind!
कितने बजे की ट्रेन थी उसकी? अब 9:30 की थी, आता ही होगा। माँ, बाबा, भैया आ गए। शाबाश मेरे बेटे, आज हम सब बहुत खुश हैं। तुमने हमारा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। कैसी हो मां? मैं ठीक हूं, पर तुझे क्या हो गया? कितना कमजोर हो गया है तू? वहां कुछ खाने को नहीं देते थे क्या तुझे? चला बैठ। आज मैंने सब कुछ तेरी पसंद का बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। खीर बनाई है ना माँ? हाँ हाँ, अभी लाई। और छोटी, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक भैया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। छोटी यहाँ आना, माँ बुला रही है, मैं अभी आती हूँ। भैया 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 भैया, आपकी ट्रेनिंग कैसी रही और क्या क्या होता है वहाँ? और भैया, आपको तो वहाँ जहाज उड़ाने का मौका भी मिला होगा ना? और भैया, इतनी ऊंचाइयों में बादलों के बीच जहाज उड़ाते हुए आपको कैसा लगा भैया? अरे बेटा, तो हमारा कवि है, इतनी ऊपर जहाज उड़ाते हुए कोई बादल उड़ता हुआ दिखाई दिया तो उसे परी समझ कर उस पर कविता लिखने बैठ जाएगा, तो फिर जहाज का क्या होगा? मैं भारतीय वायुसेना में विमान प्रबंधन निदेशक था। जीवन खानाबदोशों की तरह, आज ठिकाना यहां तो कल कहीं और। आधा दिन विमान के रख रखाव तथा कलपुर्जों के रख रखाव में बीत जाता था और बाकी का आधा दिन खाने पीने, थकावट मिटाने तथा विश्राम में निकल जाता था। रात सोने से पहले अगले दिन के कार्यक्रमों की सूचना नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाती थी। इस तरह के खानाबदोशी जीवन जीते जीते अक्सर मेरे परिचित बड़ी उत्सुकता के साथ मुझसे ये प्रश्न किया करते थे। कैप्टन साहब, दिन भर में कुल मिला के 24 घंटे का समय होता है जिसमें काम धंधा और दुनियादारी के काम ही मुश्किल से पूरे हो पाते हैं, ऐसे में भला पढ़ने लिखने का समय कैसे निकाल लेते हैं? शुरू शुरू में मैं इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया करता था, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि लोग महज रस्मी तौर पर ऐसे प्रश्न किया करते, समस्याओं के समाधान के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता। इसलिए जब भी ऐसे प्रश्न मेरे समक्ष आते, मैं अपने कंधे उचकाकर अधखुली आंखों से अपनी बेबसी प्रकट कर दिया करता। सर, अटीज, कैप्टन जम्बोल। यस सर। योर लीव हैज बीन सैंक्शन्ड, अब आप छुट्टी पे अपने घर जा सकते हैं। अपने माँ और बाबा को हमारी तरफ से प्रणाम करिएगा। थैंक यू सर। अच्छा भाई, एक शेर सुनाओ। हाँ सुनाओ। काका, गौर फरमाइएगा। इशाद, इशाद। अर्ज किया है कि मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता, कि मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। अरे अरे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। एक 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 मैं भी सुनाऊं? हाँ जरूर। अर्ज किया है। इरशाद, इरशाद, इरशाद। कि खता तेरी ना थी, कमी थी मुझ में पहले से, कि खता तेरी ना थी,
कमी थी मुझ में पहले से, मैं जल चुका था जब तू आग लगाने आई। अरे क्या बात है, क्या बात है, आग लगाने आई। अब एक मैं भी सुनाता हूं। हाँ, जरूर जरूर। तुम ही तुम अब मेरी बातों में, तुम ही तुम अब मेरी बातों में हो, तुम हर जवाब में हो, तुम ही सवालों में हो, तुम रात के अंधेरे में हो, तुम ही सुबह के उजाले में हो, लेकिन मुझसे अब तक मिली नहीं, ना जाने क्यों तुम सिर्फ मेरे ख्यालों में हो। काका, कम दूध और कम चीनी वाली चाय प्लीज। अरे आप रुक क्यों गए, कैरी ऑन प्लीज। नहीं नहीं, हम तो बस जा ही रहे। मुझे तो लगा था कि आप कुछ अपना लिखा हुआ सुनाएंगे। लगता है आप कविताओं में काफी दिलचस्पी रखती हैं। जी बिल्कुल, आज के समय में बहुत कम लोग हैं जो कविताएं लिखते हैं। मेरा दिल चाहे तो मैं तो पूरा दिन कविताएं सुनती रहूं। हाँ हाँ, ये तो खुद भी कविताएं लिखती हैं, बस किसी को सुनाती नहीं है। तो आप कुछ सुनना चाहेंगी? जी। Love me if you do for what I am and not for what you want that I should be. Because love that limits is a shame. And love is real when it makes us free. So let's make a covenant, me and you. Love me as I am, and I will do. अरे अपना नाम तो बताती जाइए। कविता अच्छी थी, अगली बार मिली तो जरूर बता दूंगी। तो ऐसे मिले आप मॉम? हाँ ऐसे ही, आज भी वो दिन याद करता हूं तो माय हार्ट स्वेल्स विद जॉय। उसे उस दिन वहां देखकर रात भर नींद नहीं आई। इतने बड़े शहर में उसे कैसे ढूंढता? फिर सोचता रहा कि कुछ कहा क्यों नहीं। शायद थोड़ा इंसिस्ट करता तो अपना नाम ही बता देती। बट यू नो योर मॉम, शी लव्ड मिस्ट्री, शी वॉन्टेड मी टू डू ऑल द हार्ड वर्क। वो चाहती थी कि मैं उसे ढूंढू। एंड आई नेवर गेव अप। आखिर वो मुझे एक दिन मिल ही गई, बाजार में चूड़ियां खरीद रही थी। एंड आई हैपन टू बी देयर। चंचल उदे शैल शलैपे ऊपर वे ही मेरी नजर, उसी दिखी है दिल खुश हुंदा रखना उसकी कोल, जिच्चर जीवन उच्चर साड़ी प्रीत ग्यौनी कर, प्रीत ग्यौनी कर।
प्रीत मचाई दिंदी किया अंधी ते चखट। मैं ते पहले प्यार नहीं कीता, मैं पढ़ुआ ओपर। मैं दसी दे चिट्ठी लिखी है, किया चिट्ठी लिख दे फिर डाकिया बनिए। देगा चिट्ठी तेरे घर, देगा चिट्ठी। जब वो शर्मा कर गई ना तो ऐसे लगा जैसे सब थम सा गया। अपने आप से बातें कर रहे हो माँ? चला बैठ, तुझे तेल लगा देती हूँ। माँ, कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है ना जैसे वो हमारा घर हो। मतलब उनके साथ सब कुछ अपना अपना सा लगता है। तुझे ये प्रेरित करने वाली लड़की है कौन? लड़की? मैं तेरी माँ हूँ, चल अब बता। माँ बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की भतीजी है। हमारी तरह राजपूताना खून दौड़ता उनकी रगों में। आप पिताजी से बात कीजिए ना, वो आपकी बात कभी नहीं टालते। कोशिश करूंगी लेकिन वादा नहीं कर सकती। कोशिश नहीं माँ, वादा करो ना। चल जा शैतान। माँ हम अपनी माँ से आपके लिए बात करके आए हैं। बहुत जल्द आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे। और अगर हमने ना कर दी तो? ना कर दी तो हम भी किसी और खूबसूरत लड़की के घर रिश्ता लेकर चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं। और अगर आपने हाँ कर दी तो आप हमें दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बना देंगे। मैं सोच कर बताऊं? जल्दी सोचिएगा। जी तू करनी प्यार में सच्चा, दुनिया शानी डर। ले रस्मा तोड़ी दीचे, ले बां पकड़। तू पूंजी दे अपने अथरू, जिने हुए मैं तोड़ा। हाथ मेरा फर, फिकर नहीं कर, चल तू मेरे घर, चल तू। Oh!
प्रेम। आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे वाह, पेंटिंग की जा रही है। हाँ जी। पेंटिंग तो खूबसूरत भी बहुत है। अच्छा जी। लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। सब आपके घर से चिट्ठी आई। बेटा गंभीर, तुम्हारे लिए बुरी खबर, तुम्हें कैंप छोड़कर घर वापस आना होगा। तुम्हारी मां का अचानक से देहांत हो गया। तुम्हारा पिता पूरक सिंह जम्वाल। की तरह है। नियति ने जो तुम्हारे लिए तय कर रखा है, अभाव या आराम, पीड़ा या मौज माला, तुम्हें कोई खबर नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, शब तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। अपने पिता और भाई बहनों का ख्याल रखना। इस घर को टूटने मत देना। इस घर को टूटने मत देना। जाने का गम अभी खत्म नहीं हुआ था कि मेरे पिताजी भी मेरा साथ छोड़ गए। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, बिल्कुल अकेला। स्क्वाड्रन लीडर रणधीर सिंह जम्वाल, तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी बुला रही है। हाँ, तुमने अपने माता पिता को खोया है, पर इन सब हादसों से ऊपर उठकर जो इंसान अपने देश के लिए अपना कर्तव्य निभाता है, सिर्फ वही वही एक सच्चा देशभक्त कहलाता है। यू टुक एन ओथ ऑफ बीइंग ऑनेस्ट विद योर वर्क, यू मेड अ प्रॉमिस ऑफ बीइंग लॉयल टू योर कंट्री। आर यू सिंपली गोइंग टू लेट द ऑनर दिस नेशन हैज गिवन टू यू गो इन वेन जस्ट बिकॉज ऑफ योर सैडनेस? कैप्टन जम्वाल, तुमने अपनी भारत माता को वचन दिया था कि तुम मरते दम तक अपना फर्ज निभाओगे और इस देश की सेवा करोगे। कैप्टन जम्वाल, डोंट बी अ कावर्ड, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू कांट गिव अप। लेकिन एक बात पक्की कि शब्दों द्वारा तुम्हें साफ स्पष्ट विचारों वाले एक ऐसे मन की प्राप्ति होती है जिससे तुम सलाह मशवरा कर सकते हो, सुख दुख बांट सकते हो, यारी दोस्ती निभा सकते हो, धुनी रमा सकते हो। जब कभी तुम्हारा मन उदास और बुझा हुआ होता है तो तुम शब्दों से मेल जोड़ बढ़ा लिया करते हो। पठन पाठन के द्वारा तुम्हें निपट एकांकीपन, अखड़पन तथा अन्य मूर्खताओं से छुटकारा मिल जाता है। सृष्टि के छोटे से छोटे रहस्य जानने की शुरुआत होती है। तुम्हें अपने अंदर के कलाकार को जिंदा रखना होगा, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। अगर वो कलाकार मर गया तो तुम खत्म हो जाओगे।
ये शब्द जिनसे तुम इतना प्रेम करते हो, इनके बिना तुम्हारा वजूद कुछ भी नहीं है। भैया, माँ बाबा के जाने के बाद अब आपके बिना हमारा कोई नहीं है। भैया, अब आप ही घर में सबसे बड़े हो। भैया, अब हमारी पढ़ाई का क्या होगा? हमारी बहनों की शादी अब कौन करवाएगा? भैया, अब आप ही हमारा सहारा हो। अब हमारी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? भैया, माँ बाबा के जाने के बाद अब आप ही हमारा सब कुछ हो। आप मुझे अकेला छोड़कर कहां चले गए? कहां चले गए? मां, तुम्हारी कही एक एक बात मुझे कभी नहीं भूलती। तुम कहा करती थी ना, ये शब्द मेरा हमेशा साथ देंगे। मैं बचपन में तुम्हें अपनी कहानियां सुनाया करता था ना मां। मैं इन शब्दों को, अपनी कहानियों को साथ लेकर जा रहा हूं। मैं अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। आपके और बाबा के जाने के बाद अपने भाई बहनों का भी ख्याल रखूंगा, उनको आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और हां, दूसरी तरफ अपने देश, अपनी भारत माता के प्रति अपनी जिम्मेदारी, उसे भी निभाऊंगा। मैं अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा मां। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करूंगा, जरूर रोशन करूंगा मां, जरूर रोशन करूंगा। कैसा था? My day was about dragons and adventure hunt. Dad, ये book एक amazing adventure के बारे में है। वैसी ही interesting जैसी कहानियाँ आप मुझे सुनाया करते हो। बेटा, you know, हमारी जिंदगी भी एक adventure book की तरह, जिसमें हर दिन एक नया पन्ना है, जो बस लिखे जाने का इंतजार कर रहा है। Dad, मैं भी आपकी तरह ही लिखना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स बेटा। चलो अब जाकर होमवर्क करो, फिर तुमने कहानियां भी तो लिखनी है ना। ओके मॉम। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। कितने दिन हो गए आपने कुछ लिखा नहीं, कोई कहानी भी नहीं सुनाई। मेरे कान तरस रहे हैं आपकी लिखी हुई कविताएं सुनने को।
तुम कहती हो तो अभी सुना देता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। जब दिल से सुनाओगे तब सुनूंगी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूं। हाँ, जब ना रही तो ये कलम और ये शब्द हमेशा आपका साथ देंगे। लाइलाज है मेरी पीड़ा, तो उपचार न कर, झाड़ फूंक न करना कोई, पढ़ना ना मंत्र। भूख लगा मुझको पीने दे इस पीड़ा की धार, जीवित शव को अग्नि ना दे, चिता है इसका घर, चिता है इसका घर। तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। क्या लेकर आए हैं? ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो। आप खोलो। ये तो बहुत खूबसूरत है। बैठो, तुम्हें पहनाता हूं। और प्रेम, तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। वो क्या? मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा जा रहा है। क्या? सच? हाँ प्रेम, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, मेरी हर जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझा। अगर तुम ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। तुमने इन दीवारों को घर बनाया है प्रेम, तुम ही मेरा सब कुछ हो प्रेम, मेरा सब कुछ। मेरी कविता घर के लिए मुझे सन 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मैं बहुत खुश था, मेरी कविता घर को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा था, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जो वायुसेना में होते हुए भी इस सम्मान को प्राप्त कर रहा था। उस पल मुझे लगा कि मैंने माँ बाबा का सपना पूरा कर दिया, उनका नाम रोशन कर दिया। मैं बहुत खुश था, मेरी पत्नी खुश थी, मेरी बेटियां खुश थी, मेरा घर खुश था। वाओ डैड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप हमेशा से मॉम को इतनी इंपॉर्टेंस देते थे। देता क्यों नहीं, शी वॉज माई कंपेनियन फॉर लाइफ। उसके बिना हर खुशी अधूरी है, हर खुशी अधूरी थी। बट यू नो डैड, यू रूइंड ऑल लव स्टोरीज फॉर मी। वो कैसे? बचपन में या बड़े होकर जब मैं कोई नॉवल या लव स्टोरी पढ़ती थी तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मेरे मॉम डैड की लव स्टोरी उन सबसे अच्छी थी। इवन ऑन द डे व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, यू हैड रेज्ड द स्टैंडर्ड्स टू हाई। मैं अपनी जिंदगी में भी वही प्यार चाहती हूँ जो आप एक दूसरे से करते थे, वही सपोर्ट जो आप एक दूसरे को देते थे।
बेटा मेरी कैब दे दो। पहले पकड़ो। बेटा पापा की कैब दे दो। अच्छा ये लो। पहले पकड़ो। अरे अरे पापा, पापा क्या हुआ? पापा बताओ ना क्या? देखा, पकड़ ही लिया ना मैंने। अरे पापा ऐसा थोड़ी होता है। सोलमेट है? ये कैसा सवाल हुआ बेटा? तुम डर रही हो ना? बैठ। देखो मैं तो तुम्हारे पापा को शादी से पहले से जानती थी, फिर भी शादी वाले दिन आई यूज टू थिंक कि क्या मैं सही कर रही हूँ। ऑफ कोर्स तुम सही कर रही थी। इवन टुडे जस्ट लुक एट अस एंड बेटा इट्स नॉर्मल टू फील दैट। लाइफ एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं जी जाती। वी नीड टू सी व्हाट वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। फिर चाहे वो आपकी शादी हो, आपका काम हो या फिर आपका घर हो, आप क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अरे बेटा रोना मत, स्माइल करो। इट्स टाइम बेटा, अब तुम अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने जा रहे हो। बाबल आखै भेजा तीए टोली ते अंदर, ए वर तेरा तेरा ईश्वर को कर हुण मंदर। तीए पूछे हुण मुड़िए कदू में आना बापू, बापू आखै अच्छे कोला ऊए तेरा कर, ऊए तेरा कर। बहुत नर्वस थी, लाइक एनी अदर गर्ल वुड बी, लेकिन यू चोज द राइट मैन फॉर मी। दिस इज द रीजन आई एम सो हैप्पी। अ राइट कंपेनियन कैन चेंज योर लाइफ। प्रेम वो क्या थी मेरे लिए, ये मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। उनके जाने के बाद आपने लिखना क्यों छोड़ दिया? I'm sorry, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सके। संभालिए अपने आप को। उन्होंने कई साल इस बीमारी के साथ संघर्ष किया था। We lost her to cancer. We are very sorry, sir. Thank you.
हम आए थे इस दुनिया में बिन दौलत बिन जर, उम्र बिताई चिंताओं में, रहे कांपते थर थर, अंत में सत्य समझ से आया, सोच है ये बेकार, पुरखे गए तो आखिर हम भी छोड़ेंगे ये घर, हम भी छोड़ेंगे ये घर। इंसान मुझे सबसे ज्यादा प्रिय था, भगवान ने उसको मुझसे छीन लिया था। मेरी पत्नी जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, भगवान ने मुझसे उसको छीन लिया। मैं अपनी तीन बेटियों के साथ बिल्कुल अकेला पड़ गया। उस वक्त मेरी दुनिया थम गई थी। मुझे प्रेरणा देने वाली वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं थी। सब खत्म हो गया था, खत्म हो गया था। बिन तेरे मैं साथी भटकू दुनिया में दर दर, मेरा कोई हमदम न था, मैं तरसा जीवन भर, चाहत संचय तर्क अनगिनत ते में रहे समाए, और न सुने हुए दबा के ढह गया मेरा घर, ढह गया मेरा घर। पापा आप अकेले नहीं है, मैं रश्मि शालू आपके साथ है। अगर आप मां को हम सबके लिए जिंदा रखना चाहते हो तो आप अपने शब्दों से नाता नहीं तोड़ सकते। मां तो आपकी प्रेरणा थी, आप उनके लिए हार नहीं मान सकते। पापा आप उनके लिए हार नहीं मान सकते। आपको हम सबके लिए जीना होगा, आपको हम सबके लिए जीना होगा पापा। Thank you.
Let me introduce the artist fraternity standing over here who have created such a beautiful magic on this stage today in Abhinav Theatre. Let us give a round of applause to the director, Gauri Thakur, the daughter of soil. और आज ठाकुर सिस्टर्स की इस जोड़ी ने जो यहाँ पर मैजिक क्रिएट किया है, ये ऑरा, ये सुंदरता, ये खूबसूरती, ये जादू, ये कला कहीं और नहीं मिल सकती। बहनों की इस जोड़ी को हमारा सलाम। गौरी ठाकुर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने 2020 में कुंवर वियोगी जी के ऊपर बनाई गई एक फिल्म में भी अभिनय किया है, लेकिन उससे पहले बलवंत ठाकुर जी की बेटी हैं तो जाहिर तौर पर इनके जहन में, इनके लहू के हर कण में एक्टिंग साहित्य तो बना ही होगा, पनपा ही होगा। बचपन से ही साहित्य और मंच से जुड़ी हुई हैं। इंग्लिश लिटरेचर में इनकी अभिरुचि रही है और उसी में अपनी एजुकेशन इन्होंने कंप्लीट की है और अंतर्राष्ट्रीय नाटकों में बाकायदगी से अपने पूरे पूरे रोल निभा रही हैं और उसके लिए शी इज़ गेटिंग राउंड ऑफ अप्लॉज नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, घुमाई, ट्वेल्थ नाइट, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम फिल्म, गुलाब गाथा जैसे बहुत बड़े बड़े मंचों पर, बहुत बड़े बड़े पर्दों पर इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है एक अभिनेत्री के तौर पर और अब निर्देशन में अपनी छवि बाखूबी बाकमाल दर्ज करती हुई नजर आ रही हैं। गौरी ठाकुर, लेडीज एंड जेंटलमैन, द डायरेक्टर ऑफ द प्ले। द प्ले हैज बीन रिटन बाय नन अदर देन द वुमन ऑफ वर्थ, the known daughter of the soil, Arushi Thakur Rana, and the cast list I am going to announce. I would request all the artists to please step forward while I announce your names. Kumar Viyogi ji ka jo kirdar nibha rahe the, unke bare mein main aapko ant mein bataungi, lekin sabse pehle Prem Jambal ji ka jo kirdar nibha rahi thi, Meenakshi Bhagat, पूरक सिंह जम्वाल पिता का किरदार निभाने वाले चिराग आनंद, मां के किरदार में पुष्पा देवी जी का किरदार निभा रही थी पलशीन दत्ता, हमारे बीच एक खूबसूरत सी, एक प्रेरणादायी महिला बैठी हुई हैं, एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहन, एक ऐसी बहू जो अपना नाम और अपने साथ साथ अपने पिता का नाम रोशन करती हुई जगमगाती हुई नजर आती हैं। पूनम सिंह जम्वाल जी का किरदार निभा रही थी दीक्षा पंडिता। पूनम जी का बचपन प्रियल गुप्ता ने निभाया है। सीनियर एयर ऑफिसर साहिर खान निभा रहे थे। कुंवर वियोगी जी की बहन का किरदार महक सिंह ने निभाया। उनके दोस्त राधिका शर्मा रही हैं। डॉक्टर का किरदार निभाया है करणप्रीत कौर ने और अन्य किरदारों में कोरस के रूप में आप सभी के सामने यहाँ थे सुमित बंदराल, अभिमन्यु चौधरी, हर्ष डोगरा, विशाल भट्ट, निखिल शर्मा, चैतन्य शेखर। मंच पर तो इनका कमाल आप सभी ने देखा, लेकिन इस कमाल को बाकमाल बनाने वाले किरदार जो मंच के पीछे, लाइट्स के पीछे और कंट्रोल रूम में बैठकर संगीत के पीछे छुपे हुए इस पूरे नाट्य मंचन को साक्षात रूप से आप सभी के सामने सफल बना रहे थे, उनमें सेट और प्रॉपर्टीज डिजाइन किए हैं शिवम सिंह जी ने। कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज प्लीज। कुंवर वियोगी जी की ये जितनी भी रचनाएं आप सभी ने यहां पर सुनी, इनका संगीत एग्जीक्यूट किया ब्रिजेश अवतार शर्मा और सुशांत सिंह चाड़क ने। ये रोशनी का कमाल, ये बदलती रोशनी के साथ बदलते जीवन का परिचय दे रहे थे जो ये लाइट्स डिजाइन की गई हैं पंकज शर्मा जी की ओर से। और अब आप सबके समक्ष बुलाना चाहूंगी मंच पर एक कदम आगे, बचपन का किरदार निभा रहे थे कुंवर वियोगी जी का संकेत भगत।
शशि कपूर यानी कि कुंवर वियोगी के युवा अवस्था का किरदार निभा रहे थे रघुनंदन सिंह चाड़क। कुंवर वियोगी जी के जीवन के परिचय का एक एक अंश आप सभी के समक्ष रखने वाले नन अदर देन नीरज कांत जी कुंवर वियोगी ओल्ड के किरदार में।